यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी जारी है। इसी के चलते जालौर के भीनमाल की दो बेटियां आयुषी और भावना विश्नोई भी परिवार के बीच सकुशल पहुंची, जहां परिजनों ने बेटियों के घर पहुंचने पर स्वागत किया। दोनों छात्राओं ने यूक्रेन के कीव में फंसे होने और परेशानी की जानकारी दी। दोनों बेटियों की वापसी पर सभी ने सरकार का धन्यवाद दिया। चौबीस को हमारी फ्लाइट थी और 24 को ही रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे। 28 को हम लोग कीव से निकले, तो 24 से 28 तक कीव के हमारे कॉलेज के हॉस्टल में हम लोग बंद थे। कर्फ्यू लग चुका है, तो खाना पीना ऑब्वियसली अरेंज कर पहले से जो था हमारे पास में उसी से हमें काम चलाना पड़ा। आपको कितना खौफ महसूस हुआ आपने युद्ध के दौरान वहाँ पे? किलोमीटर के डिस्टेंस में बॉम्बिंग, शेलिंग, फायरिंग हो रही थी, तो डेंजरस काफी थी सिचुएशन। भारत सरकार ने क्या प्रयास किए, इसे आप क्या कहें बताएंगे इस बारे में? सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली। बॉर्डर हमने अपने सीनियर्स के हेल्प के साथ अपने रिस्क पे क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में जो स्लोवाकिया में इंडियन एम्बेसी और मुझे मेरी स्टेट गवर्नमेंट यानी राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से